शांति, जोर से बोलेंगे प्यार। ओम शांति, ओम शांति। तो आज शिवरात्रि का हम सभी ने झंडारोहण किया। महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त शिव बाबा का दीपक जलाया और फिर बर्थडे की गिफ्ट क्या देंगे? हर कोई बर्थडे की गिफ्ट देता है। आज आप लोग क्या लेके आए हैं? क्या लाया बर्थडे के लिए? किसी के बच्चे का बर्थडे हो, खाली हाथ जाएंगे? जाएंगे? मान लो बच्चा बहुत धनवान घर का है, हम रिश्तेदार हैं, उसके हमारी बहुत पुअर स्थिति है, तो खाली हाथ चले जाएंगे? कम से कम टॉफी चॉकलेट तो लेके जाएंगे, नहीं ले जाएंगे? ज्यादा नहीं कर सकते तो टॉफी का डब्बा भी ले जाएंगे, चाहे उधार लेके दे तो भी देंगे। और जो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, कल्याणकारी है, सदगति दाता है, सुख का दाता है, शांति का दाता है, स्वर्ग का रचयिता है, 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही हमको दे रहा, वैकुंठ हमारे लिए धरती पे बना रहा, पति दुनिया में आ करके हमको पावन बना रहा है, कितनी उसकी महिमा करें, अपरम अपार महिमा है। कहते सागर को स्याही बनाओ और धरती को कागज बना लो और जंगल को कलम बनाओ तो लिख पाएंगे। तो जिसकी इतनी अपरम अपार महिमा है और उनसे हमारे सारे संबंध है, माता पिता बंधु सखा साजन सतगुरु और बच्चा भी है, सब कुछ है, कौन सा रिश्ता नहीं है। और आज उसके बर्थडे को मना रहे हैं तो क्या क्या गिफ्ट लाए हैं? खाली हाथ चले आए, ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण मिला, बस शिवरात्रि होगी, झंडारोहण होगा, मुरली होगी, क्लास होगा, चलो चलते हैं। तो बर्थडे माना गिफ्ट करना। अब जो दाता है, जो त्रिलोकीनाथ है, हम दाता को क्या दे सकते हैं? दादा को दे सकते हैं? नहीं तो देना भी नहीं है, नहीं देना है। तो जो माता पिता होते हैं उनको क्या इच्छा होती है? कि मेरा बच्चा आज्ञाकारी बने, वफादार बने, ईमानदार बने, नहीं होता है। और नाम रोशन करे, गीत भी गाएंगे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन। फिर कहेंगे जसोदा का नंद लाला तो ब्रिज का उजाला है और मेरा लाला तो जग का उजाला है, क्या क्या राजा बेटा। तो जब वो हमारा है, दाता है, सब कुछ है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं देना चाहिए। तो उनकी कुछ भी आस हमसे लेने की नहीं है, उनकी आस यही है जो मैंने अभी सुनाया। तो क्या करना चाहिए? इस माँ के चार बेटे थे और चारों की आपस में बनती नहीं थी, अनबन रहती, चारों के मन मुटाव अनबन, कहाँ सुनी, अलग अलग चूल्हा, कोई कहाँ कमाने खाने गया रोटी रोटी को, कोई कहाँ गया। लेकिन माँ की दिल थी हम सबको एक कैसे करें, प्यार से कैसे सब आपस में रहे चारों भाई। तो उसने अपने बर्थडे पे सबको निमंत्रण दिया और बहुत अच्छी अच्छी बच्चे गिफ्ट लाए माँ का जन्मदिन है। तो माँ ने कहा देखो बर्थडे तो बाद में मनाएंगे, आप सबका तोहफा बाद में लेंगे, लेकिन पहले कुछ बनाया है, आप दूर से चल के आए, कुछ खा लो। फिर तो माँ ने बड़ी होशियारी से खिचड़ी बनाई थी
और एक थाली में चारों खाओ और खिचड़ी के बीच में माता क्या करती, थोड़ा गड्ढा बनाया और घी डालती। अब उसमें भी खिचड़ी खाने में घी की चीना झपटी होने लगी, एक किनारे से नहीं खा रहे वो, और वो आप समझ जाओ साथ। अब उसी में ही सब कहा सुनी और कहूनी का मारना और सब शुरू हो गया, तो सारा घी तू खा लेगा, तू खा लेगा। तो माँ ने कहा बस हमको यही चाहिए, ये जो आपस का है, लालच है, आसक्ति है, जिसके कारण ये सारा बखेरा मन बनाव है, प्यार नहीं है, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, तो आज यही मुझे गिफ्ट दे दो, बाकी अपनी गिफ्ट दो या ना दो। तो बाबा भी यही चाहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जिसके अंदर में कमियां हैं, जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं होते, हमारे सामने साथ रहने वाला संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो परिवार का मेंबर हो, चाहे हमारे स्टाफ का हो, चाहे कोई भी हो, जहां हम काम करते हो या हमारे पास कोई करता, तो हम संतुष्ट नहीं रहते एक दूसरे से, और एक दूसरे की कमी क्या करते हो, निकालते हैं कि ये ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, और वो कहेंगे ये ठीक हो जाए तो हम ठीक होंगे। गिरजा बहन जी कहे, बड़ी बहन जी, विद्या बहन ठीक हो जाए तो हम संतुष्ट हैं, हम कहेंगे ये ठीक हो जाए तो हम खुश हैं। अब कौन ठीक करेगा? तो बाबा कहते किसी को ना देखो, स्वयं पे पूरा अधिकार है, आपके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर नहीं, लेकिन हमें अपने ऊपर पूरा अधिकार है कि हम अपने आप को ठीक कर लें। अपने ऊपर तो सबको हक है ना कि नहीं है, और हम बदले तो जग बदला, सभी बड़े आसानी से बोलते थे, हम सुधरे तो जग सुधरा, हम जागे जग जागे। तो पहले हम से शुरू करो, अब वो नवाबों की प्रथा छोड़ दे कि पहले आप ट्रेन भी छोड़ जाए, इसमें पहले हम, इसमें स्वार्थी बन जाना है।